शौर्य और अनोखी की कहानी में कहानी चल रही है रैगिंग की, क्योंकि अनोखी जब जब कॉलेज जाती है तब तब उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि रैगिंग अपने आप हो जाती है, लेकिन इस बार तो अपने आप नहीं हुई, कुछ लोगों ने की है, इसीलिए तो कॉलेज में लग गई है अदालत। अब कॉलेज और अदालत देखिए ना, समझ में आ जाएगा। शौर्य और अनोखी के कॉलेज में लगी है अदालत, हो रही है सुनवाई। भाई अनोखी की रैगिंग हुई है और उसने रैगिंग करने वालों की फरियाद की है कॉलेज के बोर्ड मेंबर के सामने। तो और मैं क्या करूं सर, मैं तब से साबित करने की कोशिश कर रही हूं, मेरे बात पर विश्वास ही नहीं करता। तब से आप सब लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इन्होंने सब कुछ किया है। मगर रैगिंग करने वाले शौर्य की पहचान वाले हैं, तो कुछ तो घर के ही सदस्य हैं, इसलिए ये मामला और ज्यादा उलझ गया है। आप सबने सुना ये मिस अनोखी बंदा ने आप पर क्या इल्जाम लगाए, उन्होंने तो अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया। आप बताओ आपको क्या कहना है इनके इल्जाम के बारे में। इस मामले की गुत्थी उलझ नहीं रही, जैसे शॉट से पहले अनोखी के डिब्बे का लड्डू नहीं टूट रहा था। सब ने बारी बारी से ट्राई कर लिया, जैसे तैसे तोड़ तोड़ कर लड्डू खाया, मगर इसमें बहुत दम लगा। ठीक वैसे ही अनोखी को भी अपने लिए न्याय पाने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब अभी तो ऐसा, मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने कहा वो सच है और ये स्टूडेंट्स गलत है। तो कोशिश तो मेरी जारी है, अब बोर्ड मेंबर्स क्या कहते हैं उनके ऊपर है। मैं पूरे जीत और कोशिश कर रही हूँ, सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अनोखी की इस कोशिश में शौर्य के पापा साथ दे रहे हैं। जो इल्जाम आप पर लगे वो इतने सीरियस हैं, क्या घटना घटी है, ना उसका कोई गवाह है ना कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घटना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि रैगिंग नहीं हुई, वो हुई है। मगर बाकी लोग अनोखी का विरोध कर रहे हैं। अब सबसे बड़े सदस्य और इस सुनवाई में जज की भूमिका निभाने वाले बाबूजी अपना फैसला क्या देते हैं, उसी पर अनोखी का भविष्य निर्भर है। और हाँ, कुछ कुछ शौर्य का भी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।